बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन, कियारा आडवाणी, अनिल कपूर और नीतू कपूर की फिल्म जुग जुग जियो हाल ही में सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में दर्शकों को प्यार, इमोशन सब कुछ देखने को मिला था। वहीं अब उन लोगों के लिए खुशखबरी है जिन्होंने फिल्म सिनेमाघरों में नहीं देख सकी थी। दरअसल जल्दी यह फिल्म OTT पर धमाल मचाने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें 24 जून को दुनिया भर में रिलीज हुई यह फिल्म बहुत जल्द OTT पर आने वाली है, जिसकी घोषणा खुद मेकर्स की ओर से की गई है। जी हाँ, आपने सही सुना, वरुण धवन की फिल्म जुग जुग जियो प्राइम डे 2022 के दौरान प्राइम वीडियो पर प्रदर्शित होने वाली फिल्मों की लिस्ट में शामिल होने जा रही है। आपको बता दें दोस्तों, 23 और 24 जुलाई को इंडिया में प्राइम डे 2022 मनाया जा रहा है। इससे पहले भारत के साथ साथ दुनिया के 240 देशों और क्षेत्रों में प्राइम वीडियो पर 22 जुलाई से इसका प्रीमियर होने वाला है। राज मेहता के निर्देशन में बनी जुग जुग जियो को धर्मा प्रोडक्शंस और वाईकॉम 18 स्टूडियोज ने साथ मिलकर प्रोड्यूस किया है, जिसमें वरुण धवन, कियारा आडवाणी, अनिल कपूर, नीतू कपूर, मनीष पॉल और प्रजक्ता कोली मुख्य किरदार में नजर आए थे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, वरुण धवन ने डिजिटल प्रीमियर को लेकर कहा, अब दर्शक Amazon प्राइम वीडियो पर घर पर सुकून के साथ जुग जुग जियो देखने का आनंद ले सकते हैं। यह एक ऐसी कहानी है जिसे सभी को देखना चाहिए। फिल्म जुग जुग जियो पटियाला शहर में रहने वाले दो कपल की कहानी है, जो दो अलग अलग पीढ़ियों की जिंदगी की कहानी दिखाता है। इस फिल्म में शादी के बाद की उलझने और भी जिंदगी से जुड़ी समस्याओं के बारे में दिखाया गया है। साथ ही इस फिल्म में प्रेम, पारिवारिक मूल्यों, पूरी नहीं होने वाली चाहतों और आकस्मिक तरीके से पारिवारिक सुलह जैसी बातों को गहराई से दिखाया गया है। इस फिल्म में वरुण धवन ने अनिल और नीतू कपूर के ऑन स्क्रीन बेटे की भूमिका निभाई है और उनके साथ कियारा आडवाणी ने आज के जमाने की कामकाजी महिला का किरदार निभाया है, जो बेहद जिंदा दिल और उत्साह से भरी है। इस तरह जुग जुग जियो ड्रामा इंसानी भावनाओं और हंसी मजाक का बेजोड़ तालमेल है। वरुण धवन और कियारा आडवाणी की इस फिल्म ने अब तक दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर 132 करोड़ से ज्यादा रुपए की कमाई की है। खैर दोस्तों, क्या कहना है आपका इस खबर पर, हमें कमेंट सेशन में जरूर बताएं और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।